हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट टैक्स कोड के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट ने जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से जीएसटी टैक्स स्लैब बनाए हुए हैं, जैसे कि 5%, 12%, 18% या फिर 28%। तो जब भी हम अमेज़ॉन पर कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसकी जो टैक्स इनवॉइस या उसका जो बिल होता है वो अमेज़ॉन के सिस्टम से जनरेट होता है। तो किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितने परसेंट जो जीएसटी या फिर कितने परसेंट टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है, इसके लिए अमेज़ॉन ने जो है वो प्रोडक्ट टैक्स कोड बनाए हुए हैं जो कि हमें प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते टाइम वहाँ पे एंटर करने होते हैं। और इन प्रोडक्ट टैक्स कोड से डिसाइड होता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो कितने परसेंट जीएसटी या कितने परसेंट टैक्स जो है वो लगेगा। अब अगर हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करते टाइम प्रोडक्ट टैक्स कोड वहाँ पे अगर नहीं डालते हैं अमेज़ॉन के सिस्टम में, तो इसकी जो इनवॉइस जनरेट होती है वो गलत टैक्स स्लैब में जनरेट हो सकती है। सपोज़ कीजिए कोई प्रोडक्ट है जो कि 12% जीएसटी टैक्स स्लैब के अंडर में आता है, लेकिन प्रोडक्ट लिस्टिंग करते टाइम सेलर ने वहाँ पे जो प्रोडक्ट टैक्स कोड है वो वहाँ पे नहीं डाला, तो जब इसकी इनवॉइस जनरेट होगी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड अगर वहाँ पे 18% है तो वो 18% के हिसाब से जनरेट हो जाएगी, तो और वो इनवॉइस जो है वो गलत हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करते टाइम उसमें कैसे प्रोडक्ट टैक्स कोड जो है वो डाल सकते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट टैक्स कोड जो है वो अमेज़ॉन की तरफ से डिसाइड किए गए हैं जीएसटी के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोडक्ट टैक्स कोड्स के बारे में कि अमेज़ॉन ने क्या क्या प्रोडक्ट टैक्स कोड्स डिसाइड किए हुए हैं जीएसटी टैक्स रेट को लेके, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट टैक्स कोड्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे जीएसटी जो टैक्स रेट है वो लिखे हुए हैं, कौन से टैक्स रेट के लिए हमें कौन सा टैक्स कोड जो है वो डालना होता है। तो यहाँ पे देखिए A_GEN_exempt जो है वो 0% अगर हम कोई भी ऐसे प्रोडक्ट सेल करें जो 0% जीएसटी के अंडर में आते हैं या जो टैक्स फ्री हैं, तो उनमें हमें ये प्रोडक्ट टैक्स कोड डालना पड़ता है। अगर हम ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो 5% जीएसटी के अंडर में आते हैं तो हमें A_GEN और सुपर रिड्यूस्ड टैक्स कोड यहाँ पे डालना होगा। इस तरीके से यहाँ पे ये जो टैक्स कोड्स हैं वो डिसाइड किए हुए हैं जो हमें अपने प्रोडक्ट्स के लिए डालने होते हैं। तो यहाँ से आप ये सब डिटेल्स देख सकते हो कि अगर आपका प्रोडक्ट 18% में है तो आपको ये टैक्स कोड वहाँ पे डालना होगा, अगर 12% में है तो आपको ये टैक्स कोड वहाँ पे डालना होगा, अगर 5% में है तो आपको ये टैक्स कोड जो है वो प्रोडक्ट एडिट करके डालना होगा। तो बात करते हैं कि प्रोडक्ट टैक्स कोड हमें कैसे डालने होते हैं। तो देखिए, जब भी हम नए प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे ऑफर्स के अंडर में जहाँ पे हम SKUs प्राइस वगैरह डालते हैं वहीं पे हमें एक ऑप्शन मिलता है प्रोडक्ट टैक्स कोड डालने का। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ दोगे या इसमें कुछ भी नहीं डालोगे तो बाई डिफ़ॉल्ट जो भी प्रोडक्ट टैक्स कोड की सेटिंग आपने कर रखी है अपने सेलर पैनल में उसके हिसाब से आपको आपकी जो इनवॉइसेस है वो जनरेट होगी। जैसे अगर आपने 18% में डाले हुए हैं बाई डिफ़ॉल्ट में, तो 18% के हिसाब से इनवॉइसेस जनरेट होगी। अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट 18% में डाले हुए हैं अपनी अमेज़ॉन की सेटिंग में, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि बाय डिफ़ॉल्ट कैसे हम डाल सकते हैं अपने अमेज़ॉन की सेटिंग्स में कि जितने भी इनवॉइस हो वो बाय डिफ़ॉल्ट इतने परसेंट टैक्स स्लैब के अंडर में आनी चाहिए। तो सपोज़ कीजिए यहाँ पे आपने बाय डिफ़ॉल्ट में 18% डाला हुआ है, तो अगर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ते हैं तो जितनी भी इनवॉइसेस है वो 18% टैक्स स्लैब के अंडर में जनरेट होगी। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट्स 12% में है तो आपको यहाँ पे टैक्स कोड जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो जस्ट आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट जो है वो 12% जीएसटी के अंडर में आता है, तो आपको ये A_GEN रिड्यूस जो टैक्स कोड है वो यहाँ पे डालना होगा। जब आप ये टैक्स कोड यहाँ पे डाल देते हैं तो इस प्रोडक्ट के जब भी ऑर्डर रिसीव होंगे और जब भी इसकी इनवॉइस जनरेट होगी तो वो 12% जीएसटी के हिसाब से जनरेट होगी। अब बात करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हम कहाँ से कर सकते हैं कि जितने भी इनवॉइस हो उनमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कितने परसेंट जीएसटी लगना चाहिए या फिर कौन से टैक्स स्लैब में आना चाहिए या फिर बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स कोड की सेटिंग हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए, अमेज़ॉन में जब हम टैक्स सेटिंग पे क्लिक करेंगे वहीं पर ही हमें एक ऑप्शन मिलता है एडिशनल सेटिंग का। तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड जो है वो A_GEN स्टैंडर्ड लगा हुआ है, मतलब कि 18%। तो जितनी भी टैक्स कैलकुलेट होंगे वो 18% के हिसाब से कैलकुलेट होंगे मेरे सभी प्रोडक्ट पे अगर मैं प्रोडक्ट टैक्स कोड जो है वो नहीं डालता हूँ। तो अगर मेरे प्रोडक्ट्स 18% टैक्स कैटेगरी में आते हैं तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट टैक्स कोड डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने है यही सेटिंग की हुई है। हाँ, अगर कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 12% में या 5% में आते हैं तो मुझे यहाँ पे फिर इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई प्रोडक्ट जो है वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। तो जब भी नए प्रोडक्ट की लिस्टिंग करें तो आप देख लीजिए कि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट PTC कोड है उसकी सेटिंग क्या है। अगर आपने जो नई लिस्टिंग की है वो बाय डिफ़ॉल्ट PTC कोड से मैच करती है, मान लीजिए आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग की है वो 18% जीएसटी में आ रही है और बाय डिफ़ॉल्ट में भी 18% है, तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट टैक्स कोड डालने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट 18% से ही होगा।
लेकिन हाँ, अगर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो 12% जीएसटी स्लैब में आ रहे हैं, या फिर 5% जीएसटी स्लैब में आ रहे हैं, या फिर 28% जीएसटी स्लैब में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फिर मेंशन करना पड़ेगा प्रोडक्ट टैक्स कोड के अंडर में। तो दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी अमेज़न पे प्रोडक्ट टैक्स कोड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हिमाचल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।